मैं तुम्हें उत्पल नाम से बुलाऊंगी। तुम मेरा उत्पल, सिर्फ मेरा उत्पल, ओके? अरे मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ, मेरा बेटा भी तुमसे उम्र में बड़ा है। क्या बकवास कर रही हो तुम ये सब? बकवास नहीं है, I'm serious। देखो तुम भी अकेले हो, मैं भी अकेली हूँ, हम दोनों को एक दूसरे के साथ की जरूरत है। मुझे ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनो, बचपन से मुझे थोड़ा एजेड मैच्योर्ड आदमी पसंद है, थोड़ा अलग सा क्रश है। क्या बकवास है। हाँ दीपू बोल। गुड मॉर्निंग, अभी तक सो रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं मैं बस उठने ही वाला था, बोल। सुनना, एक जरूरी काम के लिए फोन किया था। मेरी लड़की का कोलकाता मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है, जब तक उसे हॉस्टल न मिल जाए तब तक अगर वो वहाँ पर रहे तो तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अरे नहीं नहीं, मैं अकेला रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जो कुछ भी खर्चा होगा वो मैं तुझे दे दूंगा। अरे तेरी बेटी मेरी बेटी नहीं है क्या? तू मुझे पैसे देने की बात कर रहा है? चल छोड़, रहने दे, हटा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तेरी बेटी कब तक आएगी? वो थोड़े समय में पहुंच जाएगी। अच्छा। हाँ बोल। सॉरी डैड, काम का बहुत प्रेशर इसलिए आ नहीं पा रहा हूँ, प्लीज आप माइंड मत कीजिए, मैं नेक्स्ट मंथ आ जाऊंगा। नहीं नहीं इट्स ओके, इस पे बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, मुझे अब इन बातों की आदत हो गई है। तेरी माँ के गुजरने के बाद से तू बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुझे समय मिलता है तो तू आना, अच्छा लगेगा। अच्छा डैड, दवाई तो टाइम पर ले रहे हैं ना? मैंने कहा ना, मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है, तो दवाइयां वगैरह मैं ले लिया करता हूँ। अब मुझे कोई नहीं चाहिए जो अब मुझे याद दिलाए। अच्छा डैड ऑफिस आ गया, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है, रखो। अंकल राइट? मैं रिया हूँ। ओ दीपू की बेटी? हाँ। आओ आओ। पहुँचने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, पहचानने में दिक्कत नहीं हुई, पर अभी एक मुसीबत हो गई है। अभी अभी क्या मुसीबत हुई?
अब मुझे ना बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे पता है आप अकेले रहते हो, फिर जो भी है मुझे दे दो। अभी क्या दूं तुम्हें? अच्छा ठीक है, मैं खुद देख लेती हूँ। अरे ये रहा फ्रिज। अरे यहीं पे एग है, यहाँ पे ब्रेड। ओके आई विल मैनेज। सुनिए मुझे शर्म वरम बिल्कुल नहीं है, आप मुझे बेशरम समझ रहे हो? नहीं। अच्छा आपको अगर मैंने तुम करके बोला तो आप बुरा मानोगे? सुनिए मुझे बिल्कुल आप वाप बोला नहीं जाता है। अच्छा ठीक है, तुम्हें जैसा अच्छा लगे तो मुझे वैसा ही बुलाना। और तुम तो बहुत दूर से आई हो, चाय चाहिए तुम्हें? चलेगा चलेगा। रुको, और चाय में चीनी कितनी डालूं? जितना डालोगे चलेगा। अच्छा तुम्हारा टाइम सेंस बहुत अच्छा है। क्यों? तुमको कैसे समझ में आया मुझे चाय चाहिए? तुम बहुत टायर्ड लग रही हो इसलिए। टायर्ड? आई हेट टायर्डनेस। ओह सो यू आर अ चार्मिंग बेबी। बेबी? आई एम नॉट बेबी, आई एम ओवर 18। अरे बाबा तुम मेरे दोस्त की बेटी हो, इसलिए तुम मेरे लिए हमेशा बेटी ही रहोगी। ओह शिट। देखो जिस दिन से एक लड़की को पीरियड स्टार्ट होता है उसी दिन से उसको पता चलता है व्हाट इज सेक्स, उसी दिन से वो लेडी हो जाती है। सो आई एम लेडी। क्या बकवास है, मैं तुम्हारे पापा जैसा हूँ। पापा जैसे? पापा तो नहीं हो। बाय द वे तुम बहुत 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 सेक्सी हो। तुम कौन से रूम में रहोगी, मैं वो तुम्हें दिखा देता हूँ। अरे वाह तुम तो बहुत अच्छा बात करते हो, जस्ट ऑसम, सो स्वीट। क्या हुआ, तुमने कहा मेरा रूम दिखाओगे? मैं थोड़ा थोड़ा चलो आओ, तुम जो ये सब बातें कर रही हो ना, उफ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आओ चलो इस तरफ। हाँ बोल। बोल रहा हूँ कि अब रिया वहां पर पहुंच गई ना? हाँ हाँ बिल्कुल पहुंच गई है, तू चिंता मत कर। ओके ओके ओके, सुनो बोल रहा हूँ कि वो ना थोड़ा अकेले रहने की वजह से बिगड़ गई है, प्लीज थोड़ा मैनेज करना अवनीश भाई। थोड़ा? बहुत ज्यादा ही। कुछ कुछ बोला क्या? नहीं नहीं। अरे देख वो आजकल की लड़की है ना, इसलिए ये सब चलता है, तू चिंता मत कर। अरे यार मैं तो हूँ ना। ओके ओके ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है सुन मैं रखता हूँ, तू सोच मत ज्यादा, ठीक है? ओके ओके थैंक यू। हाँ बोलना। पार्टी? अरे हाँ हाँ जरूर आऊंगी। हाँ हाँ मिलते हैं, चल बाय। अच्छा मैं कभी कभी लेट नाइट पार्टी में भी जाती हूँ। पार्टी तो ठीक है लेकिन अकेला रहता हूँ ना, इसलिए वो लेट नाइट की थोड़ी दिक्कत है। तुमसे एक बात करनी थी, स्वतंत्र रहना अच्छी बात है लेकिन संस्कार को भूल जाना ये अच्छी बात नहीं है।
ये तो देख रही हूँ, कोई ज्ञान धर्मी स्कूल के हेडमास्टर जैसे बात कर रहा है। अरे ये क्या 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 कर क्या रही हो तुम? हाँ, तुम क्या कर रही हो ये सब? क्या मतलब है इन सब का? अरे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं थोड़ा लाइफ को अलग से देखती हूँ। मेरे पास लाइफ का मतलब है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। मुझे थोड़ा थोड़ा मैच्योर एजेड पर्सन ज्यादा पसंद है। क्या तुम क्या मजाक कर रही हो? अरे प्यार करने का उम्र थोड़ी ना होता है। अच्छा सुनो, मैं ना अब तुम्हें अंकल वंकल बोल के मैं अपना इमोशन खराब नहीं कर सकती हूँ। मतलब मैं तुम्हें उत्पल नाम से बुलाऊंगी। तुम मेरा उत्पल, सिर्फ मेरा उत्पल, ओके? अरे मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ, मेरा बेटा भी तुमसे उम्र में बड़ा है। क्या बकवास कर रही हो तुम ये सब? बकवास नहीं है, I'm serious. देखो, तुम भी अकेले हो, मैं भी अकेली हूँ। हम दोनों को एक दूसरे के साथ की जरूरत है। मुझे ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनो, बचपन से मुझे थोड़ा एजेड मैच्योर आदमी पसंद है, थोड़ा अलग सा क्रश है। क्या बकवास है! गुस्से में ना तुम बहुत हॉट एंड सेक्सी दिखते हो। एनीवे, मुझे थोड़ा अभी निकलना होगा, रात हो जाएगा मुझे वापस आते। कहाँ जाओगे तुम? मैं सब कुछ बताना पसंद नहीं करती हूँ। बाय द वे, तुम क्या मेरे ऊपर रहोगे या नीचे उतरोगे? बाय स्वीटहार्ट। क्या हुआ तुम्हें? आस्ते आस्ते, आराम से, आस्ते आराम से। अरे अरे अरे, संभालो, आओ 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 आओ, भीतर आओ, आओ भीतर आओ। ठीक है, कोई बात नहीं, आओ आराम से, संभाल कर, कोई बात नहीं, आओ कोई बात नहीं, आओ आस्ते आस्ते बैठो यहाँ पर, आराम से। ठीक हो? आराम से, अब धीरे-धीरे सो जाओ। ठीक हूँ। नहीं, तुम सो जाओ तुम, कोई बात नहीं, आराम से। ठीक हूँ। आराम से, कुछ नहीं होगा, ठीक हो तुम, बिल्कुल ठीक हो, कोई बात नहीं। हाय डैड।
सरप्राइज कैसा लगा? नेक्स्ट मंथ बोला, आज आ गया। आप खुश हो ना? क्या हुआ, भूत देख लिया क्या? ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं नहीं,